Hello guys, welcome to my YouTube channel Casper Solo. My name is Waleed and today we are going to learn a new song called Maine Tera Naam Dil Rakh Diya. ये song हम finger style arrangement में सीखेंगे. इसका मैंने cover upload किया था कुछ time पहले और आप लोगों ने इतनी ज़्यादा request की, इतना प्यार दिखाया उसके अंदर कि अब मुझे मजबूरन ना चाहते हुए भी और चाहते हुए मुझे इसका tutorial लाजमी बनाना था आपके लिए. तो I'm here for you guys. तो मैंने इसको easiest way के अंदर समझाने की कोशिश की है कि सब लोग किसी भी लेवल के ऊपर अभी हैं वो इसको सीख पाएँ, लेकिन ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इसको सीख पाएंगे. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट द ट्यूटोरियल. तो ट्यूटोरियल स्टार्ट होता है आपके गिटार पे फोर्थ फ्रेट के ऊपर कैपो रखने के बाद. फोर्थ फ्रेट के ऊपर आप कैपो रखेंगे. बेसिकली ये जो सॉन्ग था ये था आपका सी शार्प माइनर में, तो मैंने कैपो लगा के इसको ए माइनर के कॉर्ड्स के अंदर ट्रांसपोज कर दिए. बेसिकली आपको अगर इजीएस्ट वर्ड में बताऊँ तो अगर मैं कैपो ना लगाता तो मुझे बहुत मुश्किल होते कॉर्ड रखने के अंदर. कैपो मतलब फिंगर पोजिशनिंग के अंदर कैपो रख के मैंने अपने लिए थोड़ी सी आसानी की है कि मुझे कुछ ओपन नोट्स मिल जाएंगे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा आसानी से खेल सकूँगा. तो सेम गोज़ फॉर यू, यू गाइज कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज फ्रॉम दैट. तो गाइज आपने कवर पहले ही सुन लिया हुआ है इंट्रो के अंदर, तो जो इसका पार्ट वन है वो कुछ इस तरह से प्ले होता है. ये है आपका पार्ट वन. तो इसको मैं थोड़ा सा और स्लो प्ले करके आपको दिखाता हूँ ये कैसे आएगा. तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ. ऊपर से सेकंड स्ट्रिंग जिसको आप ए स्ट्रिंग कहते हैं वहाँ पे वो स्ट्रिंग, और साथ में आपकी जी स्ट्रिंग के अंदर जो है सॉरी डी स्ट्रिंग में आप ए स्ट्रिंग ओपन और डी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट इन दोनों को इकट्ठा प्ले करोगे, और फिर आप डी स्ट्रिंग के अंदर ही अपना सेकेंड फ्रेट प्ले करोगे, और फिर डी स्ट्रिंग में ही आपका थर्ड फ्रेट प्ले होगा. तो इकट्ठा अगर प्ले करेंगे तो इस तरह से साउंड करेगा. ठीक है, तो ये आपका इतना अभी तक हमने किया ओपन ए डी सेकंड फ्रेट और डी सेकंड फ्रेट और फिर डी थर्ड फ्रेट. फिर उसके बाद आप आ जाते हो, ठीक है, उसके बाद आप जी ओपन, ठीक है. बेसिकली हमने अभी तक कितना सीखा है और अब हम ये सीखेंगे. तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, जब आप ये प्ले करोगे जी ओपन प्ले करोगे इसके बाद, और फिर जी का सेकंड फ्रेट और ई का फर्स्ट फ्रेट दोनों को इकट्ठे प्ले करना है, और फिर पुल ऑफ होगा ये ओपन में. दोबारा से मैं आपको स्लो करके दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है. ये ऐसे हो रहा है पुल ऑफ. बेसिकली मैं आपको सिखा देता हूँ इधर करके कि जब आप एक फ्रेट को बगैर किसी प्लक के उसको प्ले करते हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तो अब थोड़ा सा इसको नीचे करके जब छोड़ोगे तो वो नॉट प्ले हो जाएगा. थोड़ा सा नीचे की तरफ फोर्स रख के जब छोड़ोगे, लगा कर छोड़ोगे तो ये नोट आपका प्ले हो जाएगा. तो बेसिकली यहाँ आपने करना क्या है, ओपन जी, जी सेकंड फ्रेट और ई ओपन, ऊपर वाली ई जो है ओपन, ई ऊपर वाली ई का फर्स्ट फ्रेट, ये दोनों आप इकट्ठे प्ले करोगे, और नीचे आप जो है ये जी की जो सेकंड फ्रेट है जैसे पुल ऑफ टू ओपन होगा इस तरह. अगर मैं शुरू से प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह से अभी तक हमने इसको प्ले किया है, सीखा है सॉरी. अब आप ओपन प्ले करोगे इसके बाद ओपन जी स्ट्रिंग के अंदर, जी स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, ठीक है, और फिर साथ में ई के अंदर थर्ड फ्रेट और जी के अंदर फोर्थ फ्रेट इकट्ठा, और फिर जी के अंदर स्लाइड बैक टू टू, और फिर पुल ऑफ टू ओपन, ओपन जी, इधर फिर से मैं बताता हूँ, जी फोर्थ फ्रेट और जी फोर्थ फ्रेट और ई थर्ड
एफ फ्रेट दोनों इकट्ठे, और फिर जी स्लाइड बैक टू 2 फ्रेट एंड पुल ऑफ टू ओपन। बेसिकली इस तरह से साउंड करेगा जब आप इसको एक रिदम में प्ले करोगे। थोड़ा सा मैं स्लो करके आपको दिखाता हूँ, एक दफा मैं नोट्स आपको दोबारा बोल के दिखाता हूँ। जी ओपन, जी फोर्थ फ्रेट और ई थर्ड फ्रेट दोनों इकट्ठे, और फिर जो आपका जी के ऊपर फोर्थ फ्रेट इसी तरह बैक चला जाएगा सेकंड फ्रेट पे, और फिर पुल ऑफ टू ओपन, और फिर उसके बाद आप 4-2। तो अगर आप इसको दोबारा से हम शुरू से प्ले करें, जो हमने सीखा है वो कुछ इस तरह से है, सॉरी, अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा 4 और 2, फोर्थ फ्रेट और 2 फ्रेट अपना जी स्ट्रिंग का। उसके बाद आप प्ले करेंगे ए ओपन और जी सेकंड फ्रेट, जी सेकंड फ्रेट पुल ऑफ टू ओपन, जी सेकंड फ्रेट पुल ऑफ टू और डी 3 पुल ऑफ टू 2। बेसिकली इस तरह से अगर मैं 4-2 से लूँ तो कुछ इस तरह से साउंड करो। फोर टू और ओपन ए और जी सेकंड फ्रेट पुल ऑफ टू ओपन और 3 पुल ऑफ टू 2। ये इस तरह से 4-4-2 ए ओपन, जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पुल ऑफ टू ओपन, 3 पुल ऑफ टू 2। तो अगर हम शुरू से प्ले करें तो एक कुछ ऐसा प्ले करेगा। मैं बहुत ही आहिस्ता करके प्ले करूँगा। मैं थोड़ा और स्लो करके प्ले करूँ तो कुछ इस तरह से अभी तक हमने सीख लिया है। तो इसको कुछ रिदम में कुछ एक टेम्पो के अंदर प्ले करूं तो कुछ ऐसे साउंड करेगा ये। तो गाइज ये था हमारा पार्ट 1, नाउ लेट्स लर्न पार्ट 2। तो गाइज अगर आपने फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है और आपने उसकी प्रैक्टिस की है अच्छे से, तो सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर सिर्फ एक ही नोट चेंज हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सेम है, यहाँ से चेंज हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, वही सेम चीज प्ले हो रही है। सेम है, हम यहाँ पहले हम क्या प्ले कर रहे थे, अब हम क्या प्ले कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, पहले हम 4-2 कर रहे थे, अब 4-2 में नहीं करना, हमने करना है 5-4-2 एंड ओपन ए, 5-4-2 फ्रेट जी स्ट्रिंग और ओपन ए स्ट्रिंग। इसको मैं थोड़ा स्लो प्ले करके दिखाऊं तो ऐसा होगा, ठीक है गाइस। आपने देखा कि इससे थोड़ा सी वेरिएशन आ रही है पार्ट 2 के अंदर। तो नाउ लेट्स लर्न द पार्ट 3। तो गाइस पार्ट 3 बेसिकली इस तरह से प्ले होगा, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखाता हूँ। तो बस इतना ही है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 मैं दोबारा स्लो करके आपको प्ले करके दिखाता हूँ, सॉरी। Now let's learn this. तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जी स्ट्रिंग ओपन, डी स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, डी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट,
विद ई स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह से कुछ साउंड करेगा। अगर आपने सॉन्ग बार बार सुना हो, आपके माइंड में वो हारमोनी और वो मेलोडी चल रही हो, तो उसको गिटार के ऊपर कंपोज करना और सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उस सॉन्ग को बार बार सुने। आपके माइंड में वो सॉन्ग चल रहा होगा तो उसको गिटार के ऊपर प्ले करना ज़्यादा आसान हो जाता है। 0 2 3 3 1 0 2 3 3 1 बेसिकली ये प्ले होगा आपका। उसके बाद आप आओगे जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और जी स्ट्रिंग आपका फोर्थ फ्रेट, और थर्ड फ्रेट आपका ई स्ट्रिंग। बेसिकली क्या होगा, ये सीखा था हमने। अब आपकी डी स्ट्रिंग पे थर्ड फ्रेट है, और जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फिर जी स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, और ई स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, दोनों इकट्ठा। आप इस तरह से इसकी पोजीशन ले सकते हो, इजी है क्योंकि आप यहाँ से यहाँ मूव करोगे। मैंने पहले ये फिंगर और ये वाली फिंगर जो दो हैं आपकी, जिसको आप इंडेक्स फिंगर और आप रिंग फिंगर कहते हो, ये मैंने इस तरह रिंग फिंगर से मैंने इसको प्ले किया इस तरह से। इसको मैंने ऐसे प्ले किया, फिर ये वाली फिंगर मेरी फ्री थी तो मैंने इसको क्या किया, इधर मैंने ये वाला नोट लिया, यहाँ क्या हो रहा आपका जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और जी स्ट्रिंग फोर्थ फ्रेट, थर्ड फ्रेट के साथ ही। उसके बाद आप क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये आपने सीखना है और इस नोट को आपने मिस नहीं करना। ऑल्दो आप इस नोट के अलावा अगर आपको मुश्किल लग रहा है कुछ आप प्ले कर सकते हो, लेकिन ये नोट इतना खूबसूरत लग रहा है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसको सीखो। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होगी यहाँ पे, आप अपनी पिंकी यहाँ रखोगे फोर्थ फ्रेट ई स्ट्रिंग ऊपर, ईजी है, और अपनी जो रिंग फिंगर है ये रखोगे जी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट पर। तो बेसिकली यहाँ पे पहले वाले नोट्स मैंने नहीं बताया, मैं पहले वाले नोट्स आपको बताता हूँ। हमने अभी तक कितना सीखा था, अब बेसिकली क्या हो रहा है, फोर पुल ऑफ टू जी स्ट्रिंग के, फोर पुल ऑफ टू स्लाइड बैक टू वन, और ई आपका जो है फोर्थ फ्रेट जो है ऊपर जो है ई के अंदर प्ले हो रहा है। बस इतने अभी तक मैंने प्ले किया, ये दो दफा प्ले हो रहा है। थोड़ा और आपको ऐसा से प्ले करके दिखाता हूँ किस तरह से साउंड करके प्ले हो रहा है ये। आप इसको समझ के होंगे। फिर उसके बाद आप प्ले करोगे ई स्ट्रिंग ओपन प्ले होगी, जो हाई है, जो सबसे नीचे वाली है, ये वाली ही, और बी स्ट्रिंग के ऊपर थर्ड फ्रेट, और फिर बी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और डी स्ट्रिंग ओपन, ये दोनों डी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और बी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट और डी स्ट्रिंग ओपन, और इसी नोट के साथ आप इसको स्लाइड बैक टू वन कर जाओगे। तो ये कुछ इस तरह से साउंड करेगा अगर मैं शुरू से प्ले करूं तो। तो गाइस ये हमारा थर्ड पार्ट था, अब हम शुरू से इसको प्ले करेंगे पार्ट 1, 2 और 3 को इकट्ठा। तो गाइज ये हमारे पहले 3 पार्ट थे। तो अभी तक गाइज इधर तक हमने सीखा था,
ये हमारा था पार्ट 3 एंड हो रहा था, तो पार्ट 4 होगा। तो गाइस यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, बी हमने यहाँ पे खत्म किया था, डी पे हम यहाँ हमने खत्म किया था पार्ट 3, तो पार्ट 4 इधर से ही बी पे ही ओपन 0, मतलब बी में ओपन स्ट्रिंग, बी ओपन फ्रेट, बी थर्ड फ्रेट और डी स्ट्रिंग ओपन, और फिर आपका फिफ्थ फ्रेट बी के अंदर और बी पे ही सिक्स्थ फ्रेट। इसको आप इकट्ठा प्ले करो तो कुछ ऐसा साउंड करेंगे। उसके बाद आप स्लाइड करोगे 5 से 3 पे बैक, इसी के लिए कुछ ऐसा साउंड करेगा ये। फिर इसके बाद आप इसी नोट के साथ इसको स्लाइड बैक, स्लाइड अप टू 12 ले जाओगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे आप इसको लेके जाओगे, फिर आप वापस आओगे 6 फ्रेट पे, 6 5 3 फर्स्ट फ्रेट, फिर ओपन और जी स्ट्रिंग पे 2 और फिर इस तरह से 1। जो मैं आपको शुरू से प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, थर्ड स्ट्रिंग और डी ओपन। एक दफा फिर से अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। तो गाइस एक दफा शुरू से इसको प्ले करते हैं सॉन्ग को। अगर मुझे सॉन्ग को 200 में डिवाइड करना होता तो ये पहला पार्ट होता, पहला पार्ट हमने, फिर अगर सॉन्ग को ही पूरे कवर को ही हम 200 में डिवाइड करें तो हमने सीख लिया। अब इसके बाद जो है वो सॉन्ग का जो है सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। तो लेकिन अगर हम पार्ट वाइज चलें तो पार्ट 5th जो है अब हम इसके बाद सीखेंगे। गाइज लेट्स लर्न द पार्ट 5। तो पार्ट 5 कुछ इस तरह साउंड करता है। इतना ही पार्ट 5th है। इसको अगर मैं थोड़ा स्लो करके प्ले करूं तो कुछ इस तरह से होगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, बी फर्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, बी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, बी स्ट्रिंग ओपन, जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और फिर से बी स्ट्रिंग ओपन, बी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, बी स्ट्रिंग ओपन, जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और बी स्ट्रिंग ओपन, कुछ इस तरह से बी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, बी स्ट्रिंग ओपन, जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट और बी स्ट्रिंग ओपन। फिर उसके बाद आप जो है ई पे फर्स्ट फ्रेट और फिर आप अपना जो है सेकंड फ्रेट जो है वो आप प्ले करोगे अपना बी पर, तो आपका कुछ इस तरह से साउंड करेगा। दोनों फर्स्ट फ्रेट हैं, जरूरी नहीं कि आप इसको यूं ही प्ले करो, आप इसको यूं भी प्ले कर सकते हो, आप इसको यूं प्ले कर सकते हो, जैसे आपका दिल करे आप इसको प्ले कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये होता है कि एक जब नोट आपने ये प्ले किया है तो उसके बाद जब आपको नेक्स्ट नोट पे जाना है तो वो आपके लिए कौन सी जो वो पोजीशन है वो ज़्यादा आसानी पैदा कर रही है, वो वाली लेते हो, वाली पोजीशन चूज़ करते हो। तो बेसिकली अभी तक हमने ये सीखा है 1 1 0 2 0
0011 तो आप प्ले करोगे बी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट और ई स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट दोनों इकट्ठे, फिर उसके बाद आप लोगे बी स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट, बी स्ट्रिंग ओपन, जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, बी स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, तो ये कुछ ऐसे साउंड करेगा। फिर अब आप लोगे ई पे थर्ड फ्रेट और ओपन जो है बी स्ट्रिंग, शुरू से अगर मैं प्ले करूं तो कुछ इस तरह आएगा 1 0 2 2 जो है आपका जी स्ट्रिंग पे, फिर ओपन बी, फिर आपका फर्स्ट फ्रेट ई और फर्स्ट फ्रेट जो है आपका बी, फिर आपका जो है बी पे फर्स्ट फ्रेट, फिर बी ओपन, जी सेकंड फ्रेट और फिर आपका बी थर्ड फ्रेट और फिर आपका ई थर्ड फ्रेट और बी ओपन। मैं थोड़ा और स्लो प्ले करता हूँ। ये था हमारा पार्ट 5। लेट्स लर्न द पार्ट 6। पार्ट 6 कुछ ऐसे साउंड करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा और स्लो प्ले करूं तो कुछ ऐसे से, बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है, जी स्ट्रिंग पे सारे नोट्स प्ले हो रहे हैं और एक आपका बेस नोट आ रहा है ई पर, तो जी स्ट्रिंग के ऊपर ओपन दो दफा, जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट दो दफा, फिर आपका फोर्थ फ्रेट और ओपन ई इकट्ठे कुछ इस तरह से, फिर आपका जी स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट कुछ इस तरह से, फिर आपका फोर्थ फ्रेट पे आप दोबारा आ जाओगे हैमर ऑन करोगे फिफ्थ पे कुछ इस तरह से, फोर हैमर ऑन फाइव। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जो है यूँ करोगे कि फोर हैमर ऑन फाइव दोबारा से पुलो फोर कुछ इस तरह से, हैमर ऑन पुलो इस तरह से होगा, फिर आप दोबारा पीछे चल लोगे सेकंड फ्रेट एक दफ़ा सेकंड ऐसे और फिर दूसरी दफ़ा सेकंड प्ले करोगे ओपन ए के साथ, दोबारा शुरू से प्ले करूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा पार्ट 6। तो बेसिकली पार्ट 7 में जो है वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं लेकिन एक नोट चेंज हो रहा है। पार्ट जो पहले हमने अभी तक सीखा है वो ये सीखा है, अब जरा गौर करना यहाँ पे एक नोट चेंज होगा, ये बेसिकली क्या हो रहा है, हम प्ले कर रहे हैं बी स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, बी स्ट्रिंग ओपन, जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, बी स्ट्रिंग ओपन, सेम वही जो अभी तक हमने सीखा है, फिर वही एफ आपका ई पे फर्स्ट फ्रेट और आपका जो आपका बी पे फर्स्ट फ्रेट दोनों इकट्ठे, फिर बी आपका फर्स्ट फ्रेट, ई ओपन इस तरह जाएगा। आपका नीचे वाली हाई स्ट्रिंग है तो कुछ इस तरह से साउंड करेगा 1 0 2 2 जो है आपका जी स्ट्रिंग पे, फिर बी पे 0, दोनों पे 1 1, बी पे भी और ऊपर वाली हाई पे लो ई पे भी, फिर आपका दोबारा बी पे फर्स्ट फ्रेट और फिर आपका ओपन ई हाई जो नीचे वाली ई है इस पे, बी पे थर्ड फ्रेट, बी पे फर्स्ट फ्रेट और फिर आपने ओपन जो है वो ई ये ऊपर वाली जो ई है थर्ड फ्रेट और बी पे ओपन
प्ले करना है, थर्ड फ्रेट और ओपन। ओपन आपका बी पे आएगा, थर्ड फ्रेट आपका आएगा ऊपर वाली पे, और आप प्ले करोगे बी टू से पुल ऑफ जीरो जी पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से साउंड करता है। जो भी हमने सीखी है, ये है आपका पार्ट सिक्स। आपको दोबारा एक दफा शुरू से प्ले करता हूं। पार्ट साउंड कंप्लीट हो गए हैं, और इतना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, बीच में कुछ कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज़ कमेंट में पूछें, मैं आपको एक्टिवली रिप्लाई करूँगा उसका। तो अभी तक हमने इतना सीखा है, क्या होगा, आपने एक स्लाइड लेनी है फर्स्ट फ्रेट से, फर्स्ट फ्रेट से आपने लेके जानी है नाइन पे, इस तरह से किसी भी फ्रेट पे ले जा सकते हो जिधर आपको अच्छी लगे, अच्छा साउंड करे। इसे क्विक स्लाइड आएगी, कुछ इस तरह से आएगा। बेसिकली आपने देखा कि स्लाइड के बाद जो मैंने चीज़ प्ले की है वो स्लैब के साथ है। अब वही चीज़ जो है हम आप सीखने वाले हैं कि स्लैब के साथ इसी को कैसे प्ले किया जाए। बेसिकली आपने वही काम करना है, वही नोट्स में। आप दोबारा से आपको वो चीज़ दोबारा नहीं सिखाऊंगा, हमने पहले सीख ली है। मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने स्लैब के साथ कैसे प्ले करनी है। 1 0 2 0 फर्स्ट फ्रेट जो बी का, फर्स्ट फ्रेट फिर ओपन बी, सेकेंड फ्रेट जी पे और फिर ओपन बी। दोनों आपके फर्स्ट फ्रेट में, आपको पता है बी फर्स्ट फ्रेट और ई फर्स्ट फ्रेट। फिर आपने दोबारा फर्स्ट फ्रेट बी पे लेना है और फिर बी पे ओपन लेना है, इस तरह से। ये आपको प्ले करने आता है, मैंने आपको एक दफा दोबारा भी एक्सप्लेन किया है कि इधर तक सेम है। स्लो भी प्ले कर देता हूँ, स्लैप आएगा। कैसे आएगा मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप ओपन प्ले करोगे उसके साथ स्लैप है। 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 के साथ स्लैप है, जीरो के साथ स्लैप है। जैसे ही आप जीरो प्ले करोगे ना, 1 0 2 0 1 1 0 साथ स्लैप है। स्लो प्ले करता हूँ, उसके बाद आपने प्ले करना सेकंड फ्रेट जी पे, फिर आपने थर्ड फ्रेट प्ले करना है बी पे, और फिर थर्ड फ्रेट ऊपर लो ई पे थर्ड, और फिर ओपन बी, फिर से आपका स्लैप आ जाएगा। लेकिन ये जो स्लैप आएगा ना, इसको आपने स्लैप एंड स्ट्रम है बेसिकली। ये आपकी जो जी जी स्ट्रिंग है ना, इधर आपका स्ट्रम भी आना है साथ साथ।
एक्स्ट्रा स्ट्रिंग्स आ जाए नीचे वाली जो अच्छा साउंड कर रही है, ठीक है, लेकिन ये ना है, ये देखें इतना बुरा साउंड कर ली, लेकिन ये अच्छा साउंड कर रही है, बी पे भी आ जाए तो चलेगी, तो ये कुछ ऐसा से साउंड करेगा। सेवन स्ट्रम में जब आप इसको टैप करते हो, थोड़ा सा आपने इस फिंगर से थोड़ा सा स्ट्रम भी करना है, फिर आपने आपने प्ले करना है। ये एक दफा तो आपने जीरो प्ले कर दिया जब आपने स्टाम किया, तो एक दफा जीरो और फिर उसके बाद इधर भी एक स्लैप आएगा, मैं आपको बताता हूँ किस जगह पे शुरू से प्ले करें तो कुछ इस तरह से आएगा। फिर जीरो ओपन जो है वो फिर दोबारा एक दफा जीरो पे, ये स्लैप एंड स्ट्रम, फिर ओपन जीरो जी पे ओपन और फिर टू टू, थोड़ा और स्लो प्ले करके दिखाता हूँ। आपने ना फोर्थ फ्रेट जी स्ट्रिंग पे और ओपन जो है ई, फिर आपने फिफ्थ फ्रेट, ये कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा। जब आप इधर आप जब हैमर ऑन करते हो ना, पहले हमने ये सीखा था, जब आप स्लैप इनकॉर्पोरेट करोगे वो कैसे करोगे, जब सेकंड टाइम आप हैमर ऑन करते हो उस पे, स्लैप हो गया, उसके बाद फिर इस तरह वही, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट एट। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो ये है, तो अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है, देख के सीखो इस पार्ट को, ये आपके लिए छोटा सा चैलेंज टाइप कुछ होगा, मैं बहुत ही आहिस्ता प्ले करूंगा, आपने इसको खुद से फिगर आउट करना है। ये चीज आपने पहले सीखी है, बस स्लैप इसमें इनकॉर्पोरेट करना है, देखो कहां मैं स्लैप कर रहा हूं, देखो बहुत आहिस्ता करके आपको प्ले करके दिखाता हूं। तो गाइस जो नेक्स्ट पार्ट है वो कुछ इस तरह से होगा।
ये हम सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जी स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, जी स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट है। ई स्ट्रिंग जो नीचे वाली है उस पर थर्ड फ्रेट है। पहले ये प्ले करना है, फिर आपने थर्ड फ्रेट आपने ई पे और ओपन आपने डी प्ले करना है इस तरह से। जी स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, ई पे आपका थर्ड फ्रेट होगा जो सबसे पहली आपकी स्ट्रिंग है नीचे से, और आपका ओपन डी होगा। फिर आपने ई पे ई फर्स्ट फ्रेट इस तरह से, जी सेकंड फ्रेट, ई थर्ड फ्रेट और अलोंग विद द डी ओपन। साथ ही आपने जो है वो स्ट्रम कर लो, सिर्फ स्लैप कर लो या स्लैप एंड स्ट्रम कर लो, इस पे दोनों चल जाएंगे। आपने ई ओपन उठाना है, फिर आपने दोबारा जी डी ओपन और ई थर्ड फ्रेट, फिर ई फर्स्ट फ्रेट दो दफ़ा, फिर आपने जो है वो स्लैप एंड स्ट्रम करना है। शुरू से प्ले करो एक दफ़ा, फिर दोबारा ओपन डी। अब आपने प्ले करना है बी पे फर्स्ट फ्रेट, फिर आपने ई ओपन जी बी आपका फर्स्ट फ्रेट होगा, ई ओपन बी फर्स्ट फ्रेट, फिर आपने जो ऊपर वाला ई है जिसको आप लो ई कहते हो उसमें आपने थर्ड फ्रेट उठाना है लेना है, और आपने बी स्ट्रिंग के ऊपर ओपन लेना है। फिर आपने बी ओपन दो दफ़ा, फिर आपने लेना है जी पे सेकंड फ्रेट, बी पे आपने लेना है फर्स्ट फ्रेट और बी पे लेना है आपने ओपन। कुछ इस तरह साउंड करेगा, ओपन फर्स्ट, फिर दोबारा वही। ये पार्ट भी अगर कोई सीखना चाहता है, मैंने खुद से अपनी एक मेलोडी बनाई थी, ये कुछ इस तरह से। ये आपका टू से फिफ्थ पे स्लाइड, फिर स्लाइड बैक टू फोर, स्लाइड अप टू फाइव, स्लाइड बैक टू टू, स्लाइड अप टू सेवन, स्लाइड बैक टू फाइव, पुल ऑफ टू फोर, हैमर ऑन टू फाइव और फिर फोर से स्लाइड इस तरह। इसी के साथ हमारा ट्यूटोरियल होता है कंप्लीट। शुरू से इसको एक दफ़ा प्ले करते हैं, बहुत ही आहिस्ता है। Thank you.
तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल ट्यूटोरियल। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, और मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाकी कवर्स भी देखें, जो कवर ऑलरेडी अपलोडेड है इसका वो भी देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ट्यूटोरियल बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मैंने आपके लिए अपने घंटों सर्व किए इसके ऊपर, तो आई वुड लव कि अगर आप सब्सक्राइब करें और डू सपोर्ट मी ऑन माई न्यू चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो।